भक्तों, भगवान सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव भगवान चले भगवत चिंतन में। ऐसे सुखदेव भगवान को बारंबार नमस्कार। 88,000 संत बैठे हैं और सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने कहा, महाराज हमें कथा सुनाओ, ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारी भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ जाए। सूत जी ने कहा, देवताओं को भी दुर्लभ कथा हम आपको सुनाए दे रहे हैं। एक बार कथा देवताओं ने भी सुनने का मन बनाया, सुखदेव भगवान के पास आए, बोले ये कथा आप हमें सुनाओ। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा, क्यों भाई आप अमृत पियोगे क्या? अदला बदली कर लेते हैं, एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम। परीक्षित जी ने कहा, मुझे कथा अमृत पीने दो। स्वर्ग का अमृत और कथा अमृत दोनों अमृत हैं, बताओ कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? मैया कथा, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। कथा को भी अमृत कहा है। कथा क्या है? अमृत है। और स्वर्ग में क्या है? अमृत है। स्वर्ग के अमृत से कथा अमृत को तौलकर देखा जाए तो बताओ कौन सा अमृत ज्यादा भारी है? हाँ, स्वर्ग का अमृत पीने के बाद स्वर्ग प्राप्त होगा, कथा अमृत पीने के बाद भगवत प्राप्ति होगी। अब स्वर्ग जाके अपन लोग करेंगे क्या? स्वर्ग तो वृंदावन, करोड़ों स्वर्ग से बड़ा वृंदावन है। इसलिए स्वर्ग वर्ग आप लोग कहां जाने का प्लान बनाए हैं? मरने के बाद कहां जाएंगे आप लोग? आप लोग लिखवा देते हैं स्वर्गीय फलाने स्वर्गीय स्वर्गीय, आप तो सब स्वर्ग ही जाना चाहते हैं। स्वर्ग वर्ग मत जाना, बहुत फायदे में नहीं रहोगे, कुछ नहीं रखा वहां, तो अप्सराएं नाच रही हैं। वहां अप्सराएं देखने जाओगे क्या? देखोगे वहां इंद्र क्या देखते रहते हैं दिन भर? अप्सराएं देखते रहते हैं। तो अपन लोग स्वर्ग चल के क्या करेंगे बताओ? अपन कहां चलेंगे? भगवत धाम, भगवान के धाम। भगवान का धाम कौन सा है जरा बताओ? क्या भगवान नारायण कहां रहते हैं? किस धाम में, किस लोक में? बैकुंठ। बैकुंठ क्यों कहते हैं उसे? बैकुंठ क्यों कहते हैं? कुंठ मतलब क्या होता है? कुंठ मतलब होता है, कुंठा मतलब होती है इच्छा। लोग क्या कहते हैं, उनके अंदर बहुत कुंठा है। कुंठा मतलब इच्छा। इच्छा क्या? हाँ कुंठा, लोग कहते नहीं बड़ी कुंठा है। तो जिसके अंदर कोई इच्छा ना रह जाए, जहां कोई इच्छा ना हो, वही व्यक्ति वैकुंठ जाता है। नाम ही वैकुंठ है, अर्थ समझो। जहां कोई इच्छा ना, कुंठा ना हो, इच्छाएं ना हो। अच्छा, वैकुंठ में कोई इच्छा नहीं होती, ना प्यास की, ना वहां भूख लगती, ना प्यास लगती, वहां दिव्य शरीर है, केवल आनंद ही आनंद है, वहां सुख ही सुख है। और सबसे बड़ा सुख कहां है? एक आदमी है जिसकी बहुत इच्छाएं हैं और एक आदमी है जिसकी कोई इच्छा नहीं है, इन दोनों में सुखी कौन रहेगा? मैया जिसकी, तो सोचिए जिसकी कोई इच्छा ना हो वो सुखी रहेगा। तो बैकुंठ में तो कोई इच्छा होती ही नहीं, इसलिए वहां परम सुख है। कबीर जी कह रहे हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवावे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए
सोही सा हंसा।